नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। पहले तो सब खाना नहीं है, कोनो नली नहीं है निकलने के, धर्मशाला कुछ बैठे वाला नहीं है, कल नहीं है रोड पे को, सब सब देखा था नली बूटा सब भरा है पानी से, इचके इचके आने जाने में दिक्कत है, दोनों तरफ से पानी निकालने, दोनों तरफ से पानी निकालना का है। मैं ओमकार पांडे और आप देख रहे हैं विजय निर्देश। आज हम लोग पहुंचे हैं भोजपुर जिला के बड़हरा पंचायत अंतर्गत सरैया बाजार में और यहां पे रोड की स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी जर्जर है। हम लोग अभी खड़े हैं कृष्णगढ़ थाना के सामने और यहां पे रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर है। ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी कभी लोग गुजरते वक्त गिर भी जाते हैं। आइए इन सब स्थिति के बारे में बात करते हैं यहाँ की क्षेत्रीय लोगों से। अच्छा भाई, आप बताइए कि यहाँ पे स्थिति इतनी जर्जर है, इतना बदहाल स्थिति है, बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बरकरार रहता है, हमेशा बनता है, और सरकार से आपकी क्या मांग है, क्या आप कहना चाहते हैं यहाँ के विधायक सांसद जो भी हो उनका इसके प्रति क्या विचार है, सो बताएं। देखिए, जहाँ तक सरकार की सवाल है तो केंद्र से लेकर बिहार राज्य तक, मतलब बड़हरा क्षेत्र तक और यहाँ तक सब जगह सरैया तक बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर कोई भी किसी तरह की ये नहीं है कि सरकार की सुनवाई है। हम लोगों के तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने देखिए, वहाँ पर अगर आप दर्शकों को दिखाइएगा तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल है। यहाँ सरैया से इधर बलुआ, सलेमपुर, बिहिया चौरस्ता और इधर सिन्हा जाने का रास्ता है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस क्षेत्र को देखे, इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे। तो क्या कहना है? सरकार हम लोगों को प्रलोभन बहुत देती है। सरकार का ही एक विभाग आप देख सकते हैं, कृष्णागढ़ थाना, जहाँ पर नाला बह के नाला जाके थाना में घुस रहा है और थाना में आप देख सकते हैं थाना के विभाग ने अपने लिए यहाँ पर ईंट से घेर कर थाना में पानी ना जाए इसकी व्यवस्था की है। यानी कि ये जो भी परियोजनाएं चल रही हैं वह धरातल पे तो नहीं, कागजों पे दिख रहा है, आपके कहने का यही मतलब है? देखिए, सरकार चुनाव के समय जुमलेबाजी बहुत करती है। हमारे पास नेता आते हैं, वो हमको समझाते हैं और वोट लेते हैं। लेने के बाद आज हमारे विधानसभा चुनाव को 7-8 महीने हो चुका है। माननीय विधायक जी 2-4 दिन पहले आए, घूमे सड़क पर, हम लोगों को फिर आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन आखिर हम कब तक सहें? ठीक है, आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। फिलहाल में यहाँ के विधायक कौन है? राघवेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, तो ये बताइए कि रोड का ऐसा स्थिति है, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? अब हम लोग बताकर क्या करेंगे, जो कि सारा लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी रोड पर लगा हुआ है, काफ़ी परेशानी सामना, बहुत परेशानी है। जी जी, और हम क्या कर सकते, हम लोग सरकार से क्या अपील है? अपील है कि इस रोड को बना दिया जाए और नली भी निकाल दिया जाए। जी हाँ, अंकल जी का कहना है कि नाली ना होने के कारण इस रोड का स्थिति ऐसा हो चुका है। हम लोग तो ये सोच रहे हैं, ये सब पाची और पाकी की तरह होता रहा है, हम लोग का बिक्री कम हो रहा है पाकी से। हम लोग रोड पर नाला सोचे है, नाला बन जाएगा तो हम लोग का बहुत प्रॉफिट होगा, कुछ लेबर मजदूरी का हम लोग खटाएंगे। मांग करते हैं कि सुविधा अच्छा हो,
होता नहीं, हम लोग का इतना तकलीफ होता है क्या बोले। अभी एक भाई बता रहे थे कि यहाँ पे पेशाब खाना नहीं है, पखाना नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं मिलता, तो इस पे आपका क्या कहना है? कहना है अब बनना चाहिए, सब सुविधा बनना चाहिए। यहाँ के अभी विधायक वर्तमान में कौन है? लाल बिहारी सिंह रघुवेंद्र सिंह। यहाँ पे किस तरह का काम चल रहा है दादाजी, आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? शालिग्राम महतो। शालिग्राम महतो जी, आप बताइए कि इस स्थिति को लेकर के आपका क्या मंतव्य है? इस स्थिति को लेकर बुढ़ा लोग राह पर चल रहे, कितना लोग गिर गए, उनको टांग टूट गया जी जी। और इतना परेशानी है कि अब क्या कहा जाए, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सरकार कुछ नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पे सरकार एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, कोई काम धरातल पे नहीं दिख रहा,